करूंगा। देसी एल टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि बतौर चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी मेरी तनख्वाह 50 लाख रुपये होने का दावा झूठ पर मबनी है। मेरी असल तनख्वाह 7,99,000 रुपये है। वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं, फिर भी इमरान खान की हिदायत पर असासे ज़ाहिर कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन खसूसी और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा की जानिब से असासों से मुतल्लिक लगाए इल्ज़ाम की तरदीद की करी गई। इस हवाले से उनकी जानिब से निजी टी वी चैनल के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करी गई। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि अपने ख़िलाफ़ तमाम इल्ज़ाम के सख्ती से तरदीद करता हूँ। आसिम सलीम बाजवा ने अपनी तनख्वाह के हवाले से किए जाने वाले दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। उनका कहना है कि सी पैक अथॉरिटी में तैनाती हुई तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कुछ अनासर की जानिब से मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करा गया कि मेरी तनख्वाह 50 लाख के करीब है। आसिम बाजवा का कहना है कि मेरी सी पैक अथॉरिटी में तनख्वाह 7,99,000 रुपये के करीब है। कारोबार सासों के हवाले से लगने वाले इल्ज़ाम पर मावन खसूसी का कहना है कि जिस तरह उन्होंने अपने और ख़ानदान के कारोबार की तमाम तफसीलात जारी कर दी है, पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तारीख में कभी किसी ने सोशल मीडिया स्टोरी पर ऐसी तरदीद नहीं दी। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि उनके पास हर चीज़ की मनी ट्रेल मौजूद है, जबकि बैरून मुल्क कारोबार करने वाले उनके ख़ानदान के अफराद के पास भी तमाम मनी ट्रेल और दीगर तफसीलात मौजूद है। जबकि आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और मेरे आले खाना के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम की कोशिश बेनकाब हो गई। हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूँगा।